Hello student, good morning. How are you all? Fine? Okay. तो आज हम गुजराती सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आपने देखा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? गुजराती सब्जेक्ट में हम वोवेल ओ के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? वोवेल ओ पार्ट वन हमने पढ़ लिया था। तो उसमें हमें ओ की मात्रा लगाना, उसको बोलना और उससे बनते हुए न्यू वर्ड्स को हमने समझा और सीखा। ओके, तो आज हम गुजराती सब्जेक्ट में स्वर ओ पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 29 है, आप देख रहे हो 29 पेज नंबर। इसमें यहाँ पांचों शिखो अने लखो ये शब्द, यहाँ जैसे यहाँ आपने लिखा था आगे पेज नंबर 28 में, वैसे ही आपको यहाँ देख देख के लिखना है, यानी कि आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 30। ये बात पेज नंबर 30 में आप देख रहे हो ये वाली एक्सरसाइज है ना, चित्र ओळखी खाना पूरो। चित्र ओळखी खाना पूरो। ओके, तो यहां आप देख रहे हो यहां बॉक्स है, बॉक्स दिए गए हैं, बाजू में उसका जो लिखना है वो वर्ड भी दिया गया है ना। तो आपकी जो वर्कबुक है उसमें आप देख रहे हो कि पिक्चर भी साथ में दिया गया है, पिक्चर दिया गया है वो क्या है उसके बारे में ये लिखा भी है और वो हमें बॉक्स में लिखना है। कैसे लिखना है चलो हम देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हो दो बॉक्स है और यहाँ 1 2 3 बॉक्स है ना। तो यहाँ दो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपको पता है कि दो यहाँ दो बॉक्स में लिखना है, यानी कि टू लेटर वाला कौन है ये फर्स्ट वर्ड, तो यहाँ हम लिखेंगे गो डो। उसके बाद थ्री लेटर वाला तो कुक डो, तो यहाँ हम लिखेंगे कुक डो। ऑलरेडी डो लिखा है इसलिए दोबारा आपको लिखना नहीं है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ लिखा है चोटलो लोटो, यह चोटलो थ्री लेटर है तो यहाँ ऊपर आप देख रहे हो कि थ्री बॉक्स है, तो थ्री बॉक्स में हम क्या लिखेंगे चोटलो। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, यहाँ पे पिक्चर भी है, क्या है लोटो। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे लो टो, यहाँ दो बॉक्स है और यहाँ लोटो वो भी वर्ड टू लेटर का है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये है, उस यहाँ लिखा है कोयल कोबी जब, इसमें आप सोच रहे हो कि दोनों में तीन तीन लेटर का है, कोयल वो भी तीन लेटर का वर्ड है और कोबीज वो भी तीन लेटर का वर्ड है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ ऑलरेडी आपको को लिखा हुआ है ना, तो को लिखा हुआ है तो यहाँ ऊपर किसका पिक्चर है कोयल का, यस, तो आपको जहां पिक्चर जिसका है वहां उसका नेम लिखना है। मान लीजिए यहाँ ऊपर कोयल का पिक्चर था तो हमें यहाँ नीचे लिखना है कोयल। ओके, उसके बाद है नीचे कोबीज, तो बाकी रहा वो कोबीज, तो यहाँ आप देख रहे हो नीचे कोबीज का पिक्चर है तो यहाँ हम लिखेंगे कोबीज। ओके, नेक्स्ट यहाँ लिखा है तोरण तोप, ये दो में फर्स्ट है वो थ्री लेटर का वर्ड है और तोप है वो टू लेटर का वर्ड है, यहाँ आप देख रहे हो ऊपर है थ्री बॉक्स, तो आपको ऑलरेडी आसानी से पता चल जाएगा कि ऊपर हमें तोरण लिखना है और नीचे यहाँ स्टैंडिंग बॉक्स में तोप लिखना है, तो भी आपको पता ना चले तो आपको पिक्चर देखना है कि पिक्चर किसकी और तरफ है, ऊपर है तो ऊपर
हैं तो प। तो यहाँ तोप का पिक्चर नीचे है इसलिए हमने यहाँ तोप लिखा और यहाँ बॉक्स भी दो है। नेक्स्ट यहाँ क्या है कि चकडोड़ और चबूतरो वो दोनों वर्ड उसमें भी फोर फोर लेटर का वर्ड है। ओके तो फोर फोर लेटर का वर्ड है तो मैंने जैसे कहा वैसे कि ऊपर किसका पिक्चर है चकडोड़ का पिक्चर है ना। तो यहाँ ऊपर हम लिखेंगे चकडोड़। ओके उसके बाद यहाँ नीचे क्या लिखा है चबूतरो तो चबूतरा का पिक्चर यहाँ साइड में है यहाँ इसके बाजू में तो वहां उसके बाजू में ही हमें लिखना है चबूतरो। ओके उसके बाद लास्ट ये वाला बॉक्स वाला तो यहाँ लिखा है लिमडो और भमरडो। ओके थ्री लेटर और फोर लेटर लिमडो तो लिमडा का जो पिक्चर है लिमडा वो ट्री वाला पिक्चर है वो ऊपर की साइड में तो यहाँ हम लिखेंगे लिमडो। ओके उसके बाद ये वाला है तो यहाँ हम लिखेंगे भमरडो। म ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। ओके तो यहाँ ऐसे हमें लिखना है और आप देख रहे हो कि यहाँ सभी जो वर्ड का यूज हुआ है वो वर्ड ओ की मात्रा वाला है। देखो यहाँ सभी है ना कि ये सभी में सभी वर्ड में ओ की मात्रा का उपयोग हुआ है। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ क्या है चित्रों जोई शब्द बनाओ। ओके तो यहाँ आपकी वर्ग रूप में देखो यहाँ जो बॉक्स यहाँ है उसके बाजू में पिक्चर दिया गया है वो पिक्चर किसका है उसका नेम आपको ये बॉक्स में लिखना है। ओके मानो कि फर्स्ट पिक्चर एक कौन सा है चलो बोलो डोगी का है ना तो उसको क्या बोलते हैं गुजराती में है कूतरो तो यहाँ हम लिखेंगे कूतरो। ओके सेकंड पिक्चर ये तो आपको पता ही है क्या है जोकर यस तो यहां हम लिखेंगे जोकर। ओके नेक्स्ट ये वाला पिक्चर क्या है काचबो यस तो यहां हम लिखेंगे काचबो। नेक्स्ट क्या है डेड को यस तो यहां हम लिखेंगे डेड को। यहां ये क्या है ऊपर आप देख रहे हो ऊपर तीर में जो निशानी लगाई है वो क्या है थड़ियो तो यहां हम लिखेंगे थड़ियो। ओके उसके बाजू में वैसे ही है पिक्चर दिया है बाजू में बॉक्स है तो हमें देखना है कि किसका पिक्चर है फर्स्ट पिक्चर किसका है चलो बताओ कुपो यस गांव में सबने देखा है ना कुओ कुबो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट यानी माड़ो यहां हम लिखेंगे माड़ो। नेक्स्ट पिक्चर किसका है चलो गेस करो ये क्या है देखो ठीक से क्या है भमरडो यस तो यहां हम लिखेंगे भमरो भमरो। ओके उसके बाद ये वाला पिक्चर क्या किसका है कौन सा व्हीकल है खटारो तो यहां हम लिखेंगे खटारो। ओके यहाँ लास्ट पिक्चर वो तो आपको पता ही है कौन सा वर्ड है कागड़ो यस तो यहाँ हम लिखेंगे कागड़ो। ओके आ गया समझ में ये एक्सरसाइज पेज नंबर
आज हमने पेज नंबर 30 वाली एक्सरसाइज की है, ओके। तो आपको घर पे क्या करना है, गुड हैंडराइटिंग में लिखना है और लर्न करना है, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, तब तक लिए बाय बाय।